चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप मोबाइल के थ्रू आसानी से ट्रेन का टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसका मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा। सबसे पहले बता देता हूं दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर से आपको सबसे पहले IRCTC एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद, लॉगिन करने के बाद प्लान माई जर्नी पर क्लिक कर देना। सबसे पहले यहाँ पर आपको सेलेक्ट जो भी आपका स्टेशन से आप यहाँ पर ट्रेन बुक करना चाहते हैं और कहाँ तक के लिए आप जाना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लास आपको सेलेक्ट करनी है, कोटा भी यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। चाहे तो जो भी आपकी क्लास है AC का लेना चाहते हैं या स्लीपर का लेना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर कोटा में आपको बता देता हूँ तत्काल भी आप बुक कर सकते हैं, लेकिन ट्रेन जो रनिंग से 24 घंटे पहले सुबह 11 बजे पहले आपको यहाँ पर जो ट्रेन का टिकट है तत्काल वो यहाँ से बुक करना है। तो मैं यहाँ पर जो भी अपना ट्रेन का जो डिपार्टमेंट जो भी डेट है यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है, जो भी आपका जर्नी का डेट है किस डेट को आप जाना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको रिव्यू बटन पर क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से टिकट यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो तत्काल की बात करें दोस्तों, यहाँ पर अगर आप 10 तारीख को तत्काल बुक कर रहे हैं और 11 तारीख को आपको जाना है तो आसानी से आप तत्काल भी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो भी आपकी ट्रेन है यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं यहाँ नीचे की तरफ आपको दिखा देता हूँ, जो भी आपकी डेट है यहाँ से भाई चेंज भी कर सकते हैं। अगर उस डेट को आपको तत्काल नहीं मिल रहा है या आपको कन्फर्म नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप भी इसमें डेट चेंज कर सकते हैं जर्नी की। जर्नी की डेट चेंज करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लीपर में हमें 665 रुपये का जो टिकट है, वेटिंग लिस्ट 22 बता रहा है, इसमें हमें 95% हमारे चांस है तो हम इसी टिकट को ले लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको पैसेंजर की डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। फिल करने के बाद यहाँ पर जो अपना डिपार्टमेंट है, जो भी आपकी जर्नी की कहाँ पर आप जाना चाहते हैं उसका यहाँ पर एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। तो सबसे पहले हमारा जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, तो यहाँ पर हम मथुरा जाना चाहते हैं तो उसका एड्रेस यहाँ पर फिल कर देते हैं। इसके अलावा पिन कोड यहाँ पर टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक ये जो सारे ऑप्शन है यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं। होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, जो भी आप यहाँ से देख सकते हैं अपना एड्रेस यहाँ पर दे सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो भी पैसेंजर डिटेल है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर जैसे हम ऊपर करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐड पैसेंजर डिटेल पर हमें क्लिक करना है। ऐड इन ऊपर जैसे अपना नेम देना है, इसके बाद अपनी जो भी एज है यहाँ पर आपको एज दे देनी है और अपना जेंडर है वो भी जेंडर यहाँ से आपको दे देना है। देने के बाद यहाँ पर आपको नेशनलिटी इंडिया रखना है और इसके बाद जो भी आपकी बर्थ प्रेफरेंस यहाँ पर रखना चाहते हैं, कौन सी सीट आपके लिए सबसे बेस्ट है, तो उस सीट को यहाँ से आप चुन सकते हैं। चुनने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को यहाँ पर आपको फिल कर देना। फिल करने के बाद जो भी यहाँ पर प्रोसेस टू चेकआउट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पेमेंट मेथड पर ले जाएगा सीधा। वहाँ पर आपको जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, चाहे आप पेटीएम यूज करते हैं, चाहे फ़ोनपे यूज करते हैं या जो भी आपका UPI ID यूज करते हैं, तो आसानी से आप पेमेंट कर सकते हैं। काफ़ी आसान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों पेटीएम, रजोपे, फ़ोनपे, एयरपे, इंडसइंड बैंक जो भी है सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्रेडिट कार्ड और यहाँ पर डेबिट कार्ड के थ्रू भी यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसको कुछ हाइड कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा टिकट है यहाँ पर बुक हो चुका है और कन्फर्म ही हो चुका है। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर स्लीपर का कोच नंबर, बर्थ नंबर, इसके अलावा PNR नंबर भी आपको देखने को मिल जाता था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।